हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न से आपको कराने वाले हैं। इसके पहले एक प्रश्न हमने पहले के वीडियो में करा दिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के HCF को क्या करें, HCF को इन दोनों के मतलब क्या करें, HCF को क्या दिया गया है 1032 m 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो m का मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों को पहले HCF निकाल लेना है। HCF निकालना जानते ही होंगे, कैसे निकालते हैं देखिए। पहले आप HCF निकालना सीख लीजिए, 408 और लिखा है 1032। अब देखिए, अब जैसे कहा जाए आपको कि इन दोनों को एक दूसरे में डिवाइड करना है, यानी भाग देना है, तो कैसे क्या करेंगे आप, छोटे वाले को बड़े वाले में ही भाग देंगे, ये आपको सरल लगेगा। तो क्या करना है आपको, 408 का भाग किस में देना है आपको, 1032 में देना है। ठीक है, क्या करना है, 408 का भाग 1032 में देना है। कितनी बार जाएगा बताइएगा, बताइए दो बार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 6 8, कितना आ जाएगा, 816। अब नीचे कितना आ जाएगा आपका, 6, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना बचा आपका 2, यानी कि 216 आ गया। अब देखिए जो यहाँ शेषफल आया है, क्या आया, ये शेषफल है आपका, शेषफल से ही जिसने आप जिसको आपने भाग दिया था बस उसी को लिख देना है। क्या करना है देखिए, क्या करना है, शेषफल से इसको भाग देना है, किसको भाग देना है, 408 को, क्या लिख देंगे, 408 को भाग देना है, किससे, शेषफल से। अब देखिए जब इसका भी शेषफल आएगा तब इसको भाग देना है, जिसको शेषफल आएगा तब उसका भाग देना है, बस इसी प्रोसेस से आपका HCF कल चलता रहेगा। और जहाँ आपका शेषफल क्या आ जाए, 0, वहीं आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 208 किस में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, शायद से दो, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, 216। अब देखिए 8 से 6 को घटाइए कितना आ गया, 2, यहाँ 10 से 1 को घटाइए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, 3, 3 से 2 जाएगा 1, कितना आएगा, 192। अब देखिए ये शेषफल आ गया ना, अब क्या करना है, इसको यहाँ लिख देना है, क्या करना है, 216 में भाग देना है, किससे, इस वाले शेषफल से, समझ गया, यही आपका HCF का प्रोसेस होता है। देखिए HCF निकालना ये बहुत ही आसान होता है। यदि एक तरीका और है, इन दोनों का पहले आप LCM निकाल लिए और जो उनमें समान वैल्यू हों, यानी समान नंबर हों, तब उसका गुणा करिए, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसमें डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 192, यहाँ कितना गया बताइए, 4, यहाँ क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब देखिए 24 से भाग दीजिए किसको, 192 को, कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 चौको 12। ठीक है, 3 चौको 12, हाँ से लाइए, 3 दो 6, शायद 3 बार नहीं जाएगा, ये कितनी बार देख लेते हैं, कितनी बार जा रहा है, 7 से नहीं 8, शायद बार 8 बार जाएगा, देखिए क्योंकि लास्ट में इसके 2 आना चाहिए, देखिए 8 चौक 32, 8 दो 16 3 19, तो देखिए कितना पूरा कट गया कि नहीं कट गया ये इस बार। तो देखिए आपका HCF क्या निकल के आएगा, लास्ट से जिससे आपने डिवाइड किया नहीं, जिससे आपने भाग दिया वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो कितना निकल गया, 24। तो यहाँ आप लिख सकते हैं HCF बराबर, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 24 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में आपने किससे भाग दिया, 24 से ही भाग दिया, जिससे आप ये पूरा 0 आ चुका है, समझ गए इतनी बात को। तो HCF हो गया आपका 24, ये आपका HCF निकालने का क्या है, प्रोसेस है। अब देखिए क्या करना, जो आपकी ये वैल्यू दी गई है 1032 m माइनस में 408 गुणे में 5, ठीक है, क्या रख देना, इसके बराबर में क्या रख देना, देखिए क्या कर रहा है HCF को, तो HCF रख दीजिए, कितना आ रहा है आपका, 24 HCF आया है, हो गए ना आपके इक्वेशन। अब देखिए निकालना क्या, m की वैल्यू निकालना है, तो 1032 m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 408 को पहले आप यहाँ चाहे गुणा कर लीजिए, चाहे इसको उधर भेजिए, क्या करते हैं पहले गुणा कर लेते हैं, लगा देते हैं माइनस, 8 5 40 और 4 5 20, कितना हो जाएगा, 20 40 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब देखिए जो ये 20 40 लिखा है इसको उधर भेज दीजिए, तो 1032 m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 20 40 हो जाएगा, देखिए किस में हो जाएगा, देखिए माइनस में था इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये जो लिखा था 24 प्लस में लिखा, रहने दीजिए उसी प्रकार। देखिए इसको और भी किस तरह लिख सकते थे, 1032 m बराबर क्या लिख सकते थे, 24 उसी प्रकार लिखा है, जो माइनस की वैल्यू थी इधर जाएगी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 20 40, ये भी तरीका आपका लिखने का है। ठीक है, अब देखिए 1032 m बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 20 64 हो जाएगा, देखिए 40 24 कितना हो जाएगा, 64 m निकालना, तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 20 64 जो 1032 लिखा था इसके बटे में ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 1032, और जैसे आप 1032 का 20 64 में भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको निकालना था इसका आंसर। देखिए अच्छा लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा भी क्या बन जाए,
कि लाइक जैसे हमारे अधिकतर होते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो लाइक कर रहे हैं, समझ गए बात को, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पसंद आ रहा है। यदि आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है सिंपली, ठीक है। देखिए मेहनत हमारी पूरी रहेगी आपकी तरफ, आपके लिए, और आपको पूरा सपोर्ट है बनता है कि आपको जो डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आपको पूछ लेना है, और जो एक्सरसाइज आपको चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, उसका सलूशन भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। कक्षा 10 में आप आ चुके हैं आप, और पूरी तरीके से आपको पूरे साल ही अच्छे तरीके से मेहनत करना है, और लास्ट में एग्ज़ाम आपको कितना लाना है, 90% से एक्स्ट्रा लाना है, ठीक है। तो यही आपका टारगेट होना चाहिए। आप देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका, 165 व 225 का महत्तम समावर्तक HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यूक्लिड क्या है, अब देखिए यूक्लिड भाई साहब आ गए यहाँ, तो यूक्लिड का नियम क्या कहता है आपका, एक इक्वेशन होती है a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए अब कुछ लोग सोचेंगे ये नया कहाँ से आ गया आप, ये तो कुछ नया नहीं है, बस इसको रहने दीजिए, कुछ इसको मत समझिए, ठीक है। संख्या दी गई है आपको 165 व 132 व 255, तो 165 क्या दिया गया है, 255। अब देखिए जिस तरह आपने अभी HCF सीखा है ना, इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे आपने एक क्वेश्चन सीख लिया बस उसी प्रकार सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में आप किसका डिवाइड किस में करेंगे, 165 का भाग किस में देंगे, 255 में देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पॉइंट लिख देंगे और यहाँ हम भाग की विधि लिख देंगे, ठीक है। तो एक देखिए एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ से भाग कर लेंगे, 165 का भाग किस में करेंगे आप, 255 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 165, इसको घटा दीजिए, 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 9 6 15 90 आ गया। अब देखिए बस एक स्टेप आपका हो गया, यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 255 को आपको किस में भाग दिया है, 165 से दिया है, कितनी बार दिया है, एक बार दिया है। देखिए इन दोनों को जैसे आप गुणा कराते हैं और LCM को प्लस कर देते हैं तभी तो इसके बराबर आता है, तो प्लस में कितना LCM आया है, 90, बताइए कोई दिक्कत आपको, 255 जो बड़ी वैल्यू उसके बराबर क्या लिख देना है, 165 जो जिसमें भी जिससे आपने भाग दिया उसको लिखना है, 165 जरूरी नहीं 165 ही आया हर बार, 165 गुणे में एक हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, प्लस में रिमाइंडर आ जाएगा आपका, समझ गया। और जहाँ रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए वहीं इक्वेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी, आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, जिससे आपने भाग दिया था उसको यहाँ लिख देना है इस बार 165 बराबर। अब देखिए क्या करना है, 90 को भाग देना है 165 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 नीचे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ कितना बचा, 9 7 16, बताइए कोई दिक्कत। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 90 गुणे में कितनी बार दिया है, एक बार, कितना आया है रिमाइंडर आपका, 75, समझ गए बात को। अब देखिए इस बार ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहले ये भाजक बना था, ये भाजक बनेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए 90 इधर आ जाएगा, 90 बराबर 75 गुणे में देखिएगा कितना आएगा, देखिए 75 किस बार भाग देना है, 75 का भाग किस में देना है, 90 में देना है, जिससे आप भाग दे रहे थे उसी में दे देना है, कितना, ठीक है, 90 में देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से, 75, कितना आया नीचे, 5, एक कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 गुणे में कितना हो जाएगा, 1, प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 15, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप देखिएगा क्या हो जाएगा, 15 किस बार भाग देना है, किस में देना है, 75 में देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 15 5 75, टोटली कितना आ गया, 0। यहीं से आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 15, क्योंकि लास्ट में आपने किससे भाग दिया है, 15 से दिया है। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। देखिए इस बार ये यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। 75 किससे भाग दिया है आपने, 15 से दिया है, कितनी बार दिया है, 5 बार दिया है, और कितना रिमाइंडर आया है, 0। जैसे आपका 0 रिमाइंडर आ जाए वहीं आपकी इक्वेशन स्टॉप हो जाएगी, यही यूक्लिड भी कहता है। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग आपका इतना ही आंसर आएगा, और HCF क्या हो जाएगा यहाँ से, HCF इक्वल टू में हो जाएगा आपका 15, समझ गया बात को, ये देखिए लिखा हुआ है, बस इतना ही आपको करना था। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि 272 व 1032 के महत्व परावर्तक, सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए जिस तरह आपने ऊपर वाला किया था वैसे प्रकार इसको भी कर लेना। यदि ऊपर वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 272 हुआ दिया गया है 10 32। अब देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, 10 32 बड़ी है। तो क्या करना है आपको, 272 का इसमें भाग दे देना है सिंपली। तो यहाँ लिख लेंगे 272 भाग किस में देना है, 10 32 में देना है। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये बताइए,
चार बार जाएगा क्या, चार दुनाई आठ, सच्चों को अट्ठाईस, अट्ठाईस की आठ हो जाएगी, चार दुनाई आठ हो जाएगा, ठीक है, आठ दो दस, दस बार नहीं जाएगा ये, कितनी बार जाएगा ये, केवल सात बार जाएगा, तो सात लिख देंगे यहाँ, सात दुनाई चौदह, सात सत्तर उनचास एक पचास हो जाएगा, सात दुनाई चौदह, चौदह पाँच कितना हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो गया देखिए, ठीक है, तो तीन बार इसको भेजते हैं, कितनी बार, तीन बार, देखिए कितना आ जाएगा, तीन दुनाई छः, सत्तर इक्कीस, और तीन दुनाई छः दो आठ, कितना आ गया, आठ सौ सोलह, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा नीचे छः, यहाँ कितना आ गया सोलह, यहाँ कितना आ जाएगा आपका एक, कितना आ जाएगा यहाँ से दो बचेगा, कितना बचेगा, दो सौ सोलह ही बचेगा, बताइए दस बत्तीस में जैसे आपने कितना घटाया, कितना आ गया दो सौ सोलह। अब देखिए पहला स्टेप आपका बन गया, यहीं से आपने किस में भाग दिया है, दस बत्तीस में दिया है, किससे दिया है, दो सौ बहत्तर से दिया है, कितनी बार दिया है, तीन बार, और रिमाइंडर कितना है आपका, दो सौ सोलह, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप, कितने स्टेप चलना है जब तक आपका जीरो रिमाइंडर ना बचे, समझिए बात को, अब देखिएगा यहाँ दो सौ सोलह किस में भाग देना है, दो सौ बहत्तर में देना है, दो सौ बहत्तर लिख लीजिए, कितनी बार जाएगा, देखिए एक ही बार जाएगा, कितना जाएगा, दो सौ सोलह, नीचे कितना बचेगा छः, यहाँ कितना बचेगा बताइएगा, पाँच सात छः से कितना जाएगा, एक जाएगा, कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, सॉरी फाइव आ गया यहाँ। अब देखिए दूसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, किस में भाग दिया आपने, दो सौ बहत्तर में दिया है, किससे दिया है, दो सौ सोलह से दिया है, कितनी बार दिया है, एक बार, और प्लस में रिमाइंडर कितना आया है, फिफ्टी सिक्स आया है। अब देखिए इस बार ये भाजक बनेगा, दो छप्पन किस में देना है, दो सौ सोलह में देना है, कितनी बार जाएगा बताइएगा, देखते हैं इसको तीन बार भाग करके, छत्तीस अठारह हो जाएगा, और तीन पाँच पंद्रह एक सोलह हो जाएगा, कितना आएगा नीचे आठ, यहाँ कितना आ जाएगा चार, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेप आपका क्या बनेगा, यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ से दो सौ सोलह, ठीक है, किससे भाग देना है आपको, छप्पन से देना है, कितनी बार दिया आपने, तीन बार, रिमाइंडर कितना आया, अड़तालीस, ठीक है। इस बार देखिए ये बनेगा यहाँ आके चौथा स्टेप में, यहाँ गया छप्पन, और आपकी जो अड़तालीस यहाँ आ जाएगा भाजक, देखिएगा कैसे अड़तालीस यहाँ लिखा हुआ है, अड़तालीस का भाग किस में देना है बताइएगा, छप्पन में देना है, ठीक है। देखिए जो ऊपर लिखा, देखिए सभी में हम यही कर रहे हैं ना, दो सौ बहत्तर को यहाँ ले आए, इस बार दो सौ सोलह को यहाँ ले आए, ठीक है, फिर छप्पन को यहाँ ले आए, ठीक है, और फिर यहाँ अड़तालीस को यहाँ ले आए, इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखिए जहाँ अड़तालीस यहाँ आ गए, कितनी बार जाएगा, एक बार यहाँ की जाए, आ जाए अड़तालीस, यहाँ कितना बचेगा नीचे आठ बचेगा। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हो गया, अड़तालीस में कितनी बार दिया है, एक बार दिया है, रिमाइंडर कितना आया आपका, आठ आया है। अब देखिए पांचवा स्टेप क्या बनेगा आपका, यहाँ से अड़तालीस में भाग देना है आठ का, देखिए अड़तालीस को भी हम यहाँ ले आए कि नहीं, अब कितनी बार जाएगा, अठछंग अड़तालीस, ये पूरा पूरा इस बार कट जाएगा, आ गया जीरो। अब देखिए आपका यहाँ से स्टेप सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पाँचवा स्टेप क्या बनेगा, यहाँ से आपने अड़तालीस यहाँ लिखना है, अड़तालीस इक्वल टू कितने, किससे भाग दिया है आपको, आठ से दिया है, कितनी बार दिया है, छः बार, और प्लस में रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आएगा, एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एट हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट में किससे भाग दिया, एट से दिया है, तो आपका फाइनल आंसर यही क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। समझ गया आपको सारा क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यदि आपको नोट करना है जल्दी से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और ये डिवाइड मेथड भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या रहा है, कह रहा है छः पाँच सात तथा नौ छः तीन यानी नौ सौ तिरसठ के एच सी एफ को इस प्रकार दर्शाया गया है, तो प्रकट किया गया था कि एक्स का मान बताइए, जिसे आपने क्वेश्चन नंबर किस तरह सेवन किया था, सेम वही क्वेश्चन आपको किस में पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर टेन में पूछ लिया गया है, तो घबराने कोई बात नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, छः सौ सत्तावन व नौ सौ तिरसठ इन दोनों को पहले आप एच सी एफ निकाल लीजिए, ठीक है, और इसके बराबर रख दीजिएगा और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखिए किसका किस में भाग देंगे, नौ सौ तिरसठ में ही भाग देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं छः पाँच सात का भाग किस में दे रहे हैं, नौ सौ तिरसठ में दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा पहले ये एक बार जाएगा, यहाँ से लिख देंगे छः सौ सत्तावन, इसको घटा लीजिए, नीचे कितना आ जाएगा सात छः तेरह, यहाँ कितना बचा पाँच से पाँच जाएगा जीरो, यहाँ कितना बचा तीन से आ जाएगा तीन सौ छः। अब देखिए 306 का भाग किस में देंगे आप, 657 में देंगे, यही आपका प्रोसेस है सेव करने का, कितनी बार जाएगा बताइएगा, दो बार चला जाएगा आसानी से, दो छाँक बारह और दो ताई छः, ये कितना आ जाएगा पाँच, यहाँ कितना बचेगा चार, ठीक है। अब 45 का भाग किस में देंगे, 306 में देंगे, अब देखिए स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा बताइएगा, बस आपको क्या करना है एक बार ट्राई कर लेना है, बस क्या करना पहाड़ा पढ़कर, देखिए नौ बार इसको भेजते हैं, आप देखिए कितनी बार
छः बार इसको भेज के देखिए, छपंचे 30, छः चौक 24, 3 27, कितना आ गया नीचे 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 36 आ गया। अब देखिए 36 का भाग किस में देंगे आप, 45 में देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ कितना आ जाएगा 36, नीचे कितना बचेगा 9। अब देखिए 9 का भाग किस में देंगे आप, 36 में देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 36, कितनी बार जाएगा 4 बार, 9 चौक 36, पूरा पूरा देखिए कट गया। तो आपका एच सी एफ क्या निकल के आएगा बताइएगा, यहाँ से एच सी एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 9, क्योंकि आपने लास्ट में किससे डिवाइड किया है, 9 से किया है, तो आपका आंसर नंबर भी कितना आ जाएगा 9। पर अब ये फाइनल आपका आंसर नहीं होगा, एच सी एफ आपने निकाल लिया है। अब इक्वेशन क्या कह रही है इसको देखिएगा, 6 5 7 एक्स प्लस में 963 गुणे माइनस में 15। देखिए इस इक्वेशन के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एच सी एफ हो जाएगा। एच सी एफ आपने कितना निकाला, यहाँ से भी 9 निकाला है, तो इसके बगल में क्या रख दीजिए 9, बराबर में आपने 9 रख दिया। अब देखिए 657 एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, एक्स का मान निकालना है, प्लस देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा 15 3 45, हाँ सिलाई 4, 15 6 90, 90 4 94, हाँ सिलाई गई 9, और 15 नहीं है 135 होता है, और 135 9 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 144 हो गया, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि देखिए माइनस का साइन आपका यहाँ लगा था, तो माइनस का ये भी हो जाएगा, इक्वल टू में रख दीजिए 9। अब देखिए 657 एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, 9 इधर प्लस में लिखा है, और जो इधर माइनस की वैल्यू थी इधर जाएगी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 144 और 45, समझ गए इतनी बात को। अब देखिए 657 एक्स बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए इस बार में, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 144। तो एक्स का मान कितना निकल के आएगा बताइएगा, 144 54 भागे में कितना हो जाएगा यहाँ से 657। अब देखिए 657 के इसमें भाग दे दीजिए, वही छोटा वाला भाग दे दीजिए 657 का भाग, स्टेप बाय स्टेप आप एकदम अच्छे तरीके से समझिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए पहले कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 7 14, 2 5 10 11, 2 4 12, 1 13 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा नीचे, यहाँ 1 आ गया आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इस 4 को भी नीचे उतार लीजिए, देखिए 13 14 कितनी बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 13 14, देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया पूरा फाइनली, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू में 22, फाइनल आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह आपको एक्स की वैल्यू निकालना था। तो यदि अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, ताकि आप देखिए काफ़ी सारी मेहनत हमको भी करना पड़ता है, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 11 करा हुआ है, महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखिए शेषफल तभी आएगा जैसे आपसे कह दिया जाए कि 9 को ऐसी संख्या से डिवाइड करिए, यानी कि कह दिया जाए आपको 8 को ऐसी संख्या से डिवाइड करिए कि इसका शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे ही तो तभी तो यह आया होगा, एक शेषफल आया हो। जैसे आपने 9 में आपने भाग दिया गया इसका, तो जैसे आपने 9 में किसका भाग दिया है, 2 का दिया है, ठीक है। तो 2 चक्को 8 कितना आ गया नीचे 8, तो शेषफल कितना बचा 1, तो तभी तो कह रहा है ये कि 1 8 में ऐसी संख्या का भाग दिया गया है कि शेषफल कितना आ गया है 9, कितना आ गया है 9 में, जैसे आपने भाग दिया है 2 का, तो कितना शेषफल आया हुआ ना आया है, तो 8 संख्या बची कि नहीं बची, तो कितने हो जाएगी आपका 8 हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसको समझिए, देखिए अभी इसको समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है। कैसे नहीं समझ में, आप देखिए सिंपली क्या करना है, 245 व 1029 से दोनों में क्या करना है आपको 5 5 घटा देना है। क्या करना है, दोनों में आपको 5 5 घटा देना है। देखिए कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 24 हो जाएगा। अब समझ में आ रही है आपको बात, बस इसी तरह आपको करना है। अब देखिए ये आप आपकी संख्या बन गई, क्या बन गई 240 और 10 24 आपकी इस बार संख्या बन चुकी हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 240 और यहाँ क्या लिख लेते हैं 10 24। अब देखिए इन दोनों का आपको एच सी एफ निकाल लेना है सिंपली, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 10 24 बड़ी, और यहाँ से 244 छोटी है, तो क्या करना है 240 का भाग किस में देना है, 10 24 में देना है। तो यहाँ लिख लीजिए 10 24। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा आसानी से, तो यहाँ लिख देंगे 4 0 0 लिख दीजिए, 4 4 16 और 4 2 8 9 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 6 64 आएगा आपका, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, यदि कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आपको एक बार अच्छे से पूछ लेना है, हम उस क्वेश्चन को एकदम दोबारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 64 यह है आपका, तो 64 से आपको कितना भाग देना है, इसमें देना है, तो कितना लिखेंगे यहाँ से 240 लिख देंगे,
ठीक है। अब 240 देखिए कितनी बार जाएगा, ये 6 चौके 24 चार बार नहीं जाएगा, तीन बार भेज के देख लेते हैं, 3 चौके 12 36 18 1 19 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 13, 13 से कितना जाएगा 9, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ गया आपका। अब 48 का भाग किस में देंगे, 64 में देंगे, कितनी बार जाएगा, केवल एक ही बार जाएगा। तो देखिए कितने आ जाएगा यहाँ से 48, यहाँ कितना बचा 8 6 14, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 16 का भाग किस में देंगे, 48 में देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 16 3 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको देखिए पूरा पूरा ये कट गया कि नहीं कट गया, तो आपका एच सी एफ क्या निकल के आएगा यहाँ से 16, तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 16, यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। इस तरह आपको करना था। बस देखिए सभी क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज 1.1 में सभी में क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना। यदि आपने एच सी एफ निकालना सीख गए तो बहुत ही अच्छे से आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की ज्ञात कीजिए जिसमें कमरे में की विमा पूर्ण रूप से मापी जा सके। देखिए क्या निकालना है, लंबी छड़ निकालना है, तो लंबी छड़ निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, देखिए इसमें और कोई फार्मूला और कुछ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। क्या लगाना है आपको, सिंपली एच सी एफ से ही सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा कैसे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 12। देखिए पहले आप समझ लीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो देखिए चाहे आप इसको मीटर बना लीजिए या तो इसको सेंटीमीटर बना लीजिए, तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब देखिए लिखा हुआ 8 मीटर, तो 8 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर होगा कि नहीं बताइए। और देखिए 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर दोनों साथ में लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में बन गए, तो क्या हो जाएगा ये 850 सेंटीमीटर, ये पहला हो गया आपका। इस तरह इसको भी कर लीजिए, लिखा हुआ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो दोनों ही देखिए साथ में ही तो लिखे हुए हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर 100 हो जाएगा, तो देखिए 600 में 6 गुणा 100 से कर दीजिए कितना आ जाएगा 600, तो 600 सेंटीमीटर प्लस में 25 कितना आ जाएगा बताइएगा 625 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसी प्रकार इसको भी लिख दीजिए 4 मीटर प्लस में 75 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस में 75 बराबर कितना हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी सेंटीमीटर में बन गए, क्योंकि आपका देखिए आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा होगा, इसलिए हमने सभी को सेंटीमीटर बना लिया है। अब देखिए इन तीनों बताइए एक दूसरे का, आप एक दूसरे में डिवाइड कर लीजिए, एस सी एफ निकाल लीजिए इसका भी। देखिए एक तरीके, देखिए एस सी एफ निकालने का अभी हमने आपको डिवाइड वाला बता दिया, यानी कि ये वाला भी आपको एस सी एफ निकालना सिखाया है। अब इसमें आपको सिखा देंगे कि एल सी एम से एस सी एफ कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ से 850, एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ से 625, ठीक है, और यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं 475। समझ गया बात को, ये हमारा एल सी एम है, ठीक है। एल सी एम सभी का निकाल लीजिए एक बार, और उसके बाद जो जो वैल्यू यानी जिनका मान एकदम सेम बराबर हो तो उनका एक साथ रख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, पहले आप इसको 2 से काट लीजिए कितना 2 चक्को 8 यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 5 से काट लीजिए कितना आ जाएगा 5 8 40 50 25, 5 से काट लीजिए इसको भी कितना आ जाएगा 17, यहाँ 17 से काट लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 17 का नाम 17 आ गया। समझ गए बात को, तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आएंगे अभी यहाँ नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको भी 5 से काट लीजिए कितना आ जाएगा 5 का नाम 5, 5 दुनाई 10 50 25, 5 इसको भी काट लीजिए 5 दुनाई 10, 5 का नाम 5, 3 से काट जाएगा 3 से 27 और ये हो जाएगा 7। देखिए हमको पहले 3 से काटना था, पहले हमको देखिए 5 लग रहा था पीछे, तो हमने इसलिए 5 से इसको काट दिया, ठीक है। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 5 दुनाई 10 50, देखिए यहाँ 5 आएगा आपका, यहीं रॉन्ग हो गया था तभी तो हमको लग रहा था ये 5 कैसे आ गया 3 कैसे आ गया। अब देखिए 5 से ये फिर कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर से 5 से कटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। समझ गया बात को, अब देखिए इसको भी 5 से काट लीजिए 5 8 5 9 45 हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए 5 का नाम 5 19 आ जाएगा, यहाँ 19 ये भी कट जाएगा 19 का नाम 19। अब देखिए 850 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, ये लिखे हुए हैं 2 × 5 × 5 × 17। अब देखिए 625 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 5 × 5 × 5 × 5 हो गया। अब देखिए 475 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, यहाँ से 5 × 5 × 19। अब इनमें देखना है आपको एच सी एफ निकालेंगे, देखिए तो क्या क्या है, एल सी एम सभी को गुणा करके लिख देंगे तो एल सी एम हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है एच सी एफ।
देखिए इसका मेथड डिवाइड वाला भी आपको आ जाएगा, डिवाइड से आप करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, पर देखिए आपको ये भी सिखाना था इसलिए हमने ये मेथड भी आपको करना सिखा दिया। इसमें देखिए देखिए सभी में वैल्यू क्या, इसमें दो है क्या, देखिए दो है, इसमें इसमें है दो क्या है क्या, इसमें भी नहीं है, ऐसी वैल्यू आपको छाँटना है। देखिए इसमें भी दो पाँच हैं, इसमें भी दो पाँच है, इसमें भी दो पाँच हैं, देखिए सभी में दो पाँच हैं कि नहीं, तो आपका एच सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5, क्योंकि देखिए ये दोनों कॉमन हैं, क्या हैं ये दोनों में कॉमन है, पाँच पाँच दोनों में कॉमन है, दो पाँच सभी में कॉमन है कि नहीं है, और कोई बताइए कॉमन है क्या किसी में, देखिए इसमें दो है 17, इसमें दो 17 है क्या, इसमें 19, इसमें 19 है क्या, किसी में कुछ नहीं कहना, तो एच सी एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा, 5 × 5 कर लीजिए, एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा 25। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड मैथड। यदि आप इन दोनों को देखिए, यदि आप सबसे वैल्यू छोटी समझ लीजिए क्या है, ये 475 है कि नहीं, 475 का चाहे इसमें भाग दे दीजिए चाहे इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर 25 आएगा। आएगा कैसे आएगा, देखिएगा भी देखिएगा कैसे। अब देखिए इन दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, 475 छोटी है कि नहीं, 475 का भाग किस में देना है, 625 में देना है। पहले देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार यहाँ लिख लेंगे 475, नीचे कितना आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 50, और यहाँ कितना बचा बताइए एक। अब देखिए 150 का भाग किस में देना है, 475 में, यहाँ से लिख देंगे 475 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 × 3 = 45, यहाँ आ जाएगा 450, नीचे बचाइए कितना बचा, 25 बचा। अब देखिए 25 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 150 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा आसानी से, कितना आ जाएगा नीचे 150, देखिए 0 आ गया कि नहीं, और जहाँ आपका 0 आ जाता है इस मेथड में तो आपको देखिए किससे का लास्ट में काट रहे हैं 25 में, तो आपका एच सी एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 25। देखिए डिवाइड मेथड भी आ गया ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर को एच सी एफ एल सी एम से आ रहा होगा इसलिए हमको ये डिवाइड मेथड नहीं बताया, हमने इसलिए आपको देखिए दोनों को मेथड बता दिए हैं। यदि आप 475 का इसमें भी भाग देंगे तभी आपका 25 ही एच सी एफ निकल के आएगा, समझ गया बात को। तो इस तरह आप डिवाइड वाले नोट करना चाहते हैं तो डिवाइड नोट कर लीजिए, यदि एल सी एम मैथड नोट करना चाहते हैं तो एल सी एम मैथड भी नोट कर सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 यानी 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। यानी कि आपको ऐसी संख्या निकालना है कि इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 5 आ जाए, और इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए यदि क्या करना है आपको, इसमें से आपको सिंपली 5 घटा देना है और इसमें सिंपली क्या करना है, 7 घटा देना है, और पूरी जो आपकी इक्वेशन दी गई उसको पूरा पूरा भाग दे देना है। देखिएगा कैसे, प्रश्न नंबर 13 लिख देना है, यहाँ से 2053 यहाँ में लिख दिया 967। अब देखिए क्रमशः कह रहा है ना, देखिए क्रमशः मतलब क्या, 5 इसके साथ और 7 इसके साथ, आगे पीछे तथा लगा है ना बीच में, 5 इसमें घटा दीजिए, 7 इसमें घटा दीजिए, नीचे बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये हो जाएगा 2048, ये कितना हो जाएगा 960। अब बताइए इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है कि नहीं, तो क्या करना है इसका भाग इसमें दे देना है। कैसे देना है देखिएगा, 960 हमने लिख दिया, यहाँ लिख देंगे 2048। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा क्या, आसानी से चला जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 2 × 0 = 12 × 18 = 19, नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ बताइए कितना आ जाएगा 128, इतना आया कि नहीं आया आपका। अब देखिए 128 को किसमें भाग देना है, 960 में देना है, तो यहाँ लिख देंगे 960। अब देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 तथा भाग देने पर शेषफल क्रमशः शेषफल इतना आना चाहिए। देखिए क्या चल रहा है आपका टॉपिक, एच सी एफ चल रहा है, तो क्या करने का है, सभी क्वेश्चन में आपको एच सी एफ से ही करना है। देखिए इसका भी एच सी एफ कर लीजिए, कितनी बार जाएगा बताइएगा, चलिए देख लेते हैं, 1284 × 98, देखिए 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार देख लेते हैं भाग देकर, 7 × 56 1284 × 84 कितना हो जाएगा 89। तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 9 × 6 = 15 हो जाएगा, यानी 64 आ जाएगा आपका। अब देखिए 64 से भाग कितने देना है, 128 में देना है, तो 128 लिख लीजिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 × 2 = 12, बताइए टोटल पूरा कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है और जिससे आपने लास्ट में भाग दिया है बस वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एच सी एफ हो जाएगा। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम 13, 14 और एक क्वेश्चन इधर भी दिया गया था आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये वाला, और ये दोनों को एकदम सेम क्वेश्चन, देखिए इसमें 1 वैल्यू दी थी, इसमें 2 वैल्यू दी गई, इसमें 3 वैल्यू दे दी गई हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है 398, यहाँ लिखा है 436,
यहाँ लिखा है 542। क्रमशः दिया गया शेषफल कितना कम होना चाहिए, 7, 11, 15। तो किसमें देखिए 7 का घटा दीजिए, इसमें 11 घटा दीजिए, इसमें 15 घटा दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें 7 घटाएँ कितना हो जाएगा 391। देखिए इसमें क्या करना है आपको, 11 घटाना कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा, और इसमें 15 घटाना कितना हो जाएगा 7, 5, 12, इधर कितना बचा 3, 3 से कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, और ये बचा 5 यानी 527। अब देखिए ये आपकी 3 वैल्यू हैं, समझ गए बात को। अब यही आपको 3 वैल्यू से आपको आंसर निकालना है। एक तरीका हमने आपको बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 12 में एलसीएम निकाल लीजिए, पहले आप तीनों को एलसीएम निकाल लीजिए, उससे कर लीजिए, ठीक है, जब भी आपको 3 वैल्यू मिल जाए। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो देखिए क्या करना है, इन तीनों में ढूंढना है आपको सबसे छोटी संख्या क्या है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, चाहे आप इसका भाग इसमें दे दीजिए, चाहे इसका भाग इसमें दे दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 391 का भाग इसमें दे के देख लीजिए 425 में, देखिएगा कितना आएगा आपका। देखिए पहले एक बार जाएगा ये 391 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 4। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 9, 3, 12, 34 बचा। अब देखिए 34 का भाग 391 दे दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइएगा, पहले सिंपली आपका ये एक ही बार जाएगा, यहाँ लिख देंगे 34, नीचे कितना आएगा 5 आ जाएगा, 3 से 3, 0 आ जाएगा, इधर क्या उतारेंगे 1। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, एक ही बार जाएगा, फिर आ जाएगा नीचे 34, क्योंकि देखिए पूरी संख्या तो हमारी कटी नहीं थी, पूरा आपको पहले डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 7, 4, 11 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखिए 17 का भाग किस में देना है आपको, 34 में देना है, तो कितना लिखेंगे यहाँ से 34, दो बार में आसानी से कट जाएगा ना, 34 आ जाएगा। तो देखिए अपने लास्ट में किससे भाग दिया है, 17 से दिया है, तो आपका एच सी एफ बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ से, 17 ही निकल के आएगा। आप एलसीएम के मेथड से इसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब यदि आपको और चेक करना है इसका आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करना है आपको, 391 का इसमें भी भाग देकर देख लेना है, देखिए कैसे, यदि आप देना चाहते हैं तो इसको देख कर देख लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। तो चलिए इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा, हम इसको लिख देते हैं डू योर सेल्फ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, खुद से इसको आपको करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको, किसी घनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है या नहीं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको प्रूफ करना है, तो कि इसका तो आंसर आपको आ नहीं रहा होगा, तो क्या करना है आपको, सिंपली मान लेना है कि देखिए पहले आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 n क्यूब माइनस n, ये आपकी इक्वेशन दी गई है, कह रहा है 6 से विभाजित है, क्या है ये 6 से डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है 6 से ये डिवाइड हो रही है। तो देखिए सिंपली क्या लिखना है आपको, इसमें इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, पहले तो इसके फैक्टर निकाल लीजिए यानी कि गुणनखंड निकाल लीजिए, तो n जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस में 1 हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ देखिए, इनका गुणा n से कराएंगे, देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 दोनों ऐड हो जाएंगे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएंगी, और इनका गुणा इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ गया बात को इतना। अब आगे देखिएगा, अब ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा ये एन एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है फार्मूला, एन लिखा रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में एन प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एन माइनस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, क्या हो गए इसके फैक्टर, तो यहाँ लिख लेंगे आप एन प्लस 1 n और n माइनस 1। अब देखिए इसको हमने बीच में किस लिए लिया, ताकि यहाँ आपका देखिए 6 बीच में ही आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 से विभाजित हो रही, क्या हो रही 6 से विभाजित हो रही है, तो आपको याद क्या करना होगा, यूक्लिड की जो आपकी क्या थी, यूक्लिड की आपकी जो इक्वेशन थी, देखिए क्या होती है वो इक्वेशन, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r, यहाँ आपका r रिमाइंडर होता है, b आपका भाजक होता है, क्यों क्या होता है क्वाइटेंट यानी कि भागफल होता है, और ए इक्वल टू में आपका क्या होता है जो आपके बीच में लिखा होता है, समझ गए बात को। अब देखिएगा ये क्या हो गया आपके, देखिए 6 क्यों, इसको क्या लिखना है, बी की जगह में क्या लिखा है आपको 6 क्यों लिखना है, 6 लिखना है, बी इक्वल टू में क्या लिखना है, क्योंकि आपको देखिए बी की वैल्यू पता है क्या होती है 6 होती है, तो आपको लिख देना है यहाँ से इस इक्वेशन के हिसाब से बनाना है, किसके हिसाब से, एक्स एस एन प्लस 1 के हिसाब से, कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये बन जाएगा आपका 6 क्यों प्लस 1, एन की जगह हम क्या लिखेंगे 6 क्यों लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा देखिए एन माइनस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 6 क्यों माइनस में 1, क्योंकि देखिए एन के बराबर क्या है आपका एन बी क्यों है, समझ गए बात को। अब देखिए हमने एन की जगह हम क्या लिखा 6 क्यों, समझ में इतनी बात आ रही ना, तो एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से 6 क्यों प्लस में 1, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको, आ गई बिल्कुल ही आ गई होगी। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, एन
यहाँ लिखेंगे एन प्लस वन एन और एन माइनस वन, उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए। दूसरी क्वेश्चन बना लीजिएगा यहाँ से सिक्स क्यू प्लस वन, समझ गए बात को। और यहाँ क्या लिखेंगे सिक्स क्यू प्लस में टू। अभी देखिए यहाँ हमने एन के इक्वल टू में क्या लिख दिया है सिक्स क्यू प्लस में टू, तो यहाँ से एन इक्वल टू में लिख देंगे सिक्स क्यू प्लस में टू। अब दूसरी इक्वेशन बना लीजिए इसी तरह, देखिए कम से कम दो तीन इक्वेशन आपको लिखना है। तो एन प्लस वन एन और एन माइनस वन इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस वन, इस बार हमने सिक्स क्यू प्लस वन लिख दिया, फिर सिक्स क्यू प्लस में टू लिख दिया, और यहाँ लिख दिया सिक्स क्यू प्लस में थ्री, समझ गए। अब देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे इसको सिक्स क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन और टू क्यू प्लस वन, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए सभी में हमने क्या लिया है जो आपके एन प्लस वन थे एन की वैल्यू सभी में हमने इस बार कॉमन ले लिया है, समझ गए। तो बस आपको इतना ही लिख कर यहाँ लास्ट में छोड़ देना है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे आप क्यों की वैल्यू कोई भी रख लीजिए तो आपका आंसर कितना आना चाहिए सिक्स ही आना चाहिए, समझ गए इतनी बात। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, ये देखिए यहाँ से है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक क्यों के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का फाइव क्यू प्लस वन फाइव क्यू प्लस फोर के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सिंपली क्या है प्रूविंग वाले हैं, बहुत ही आसान होते हैं। क्या करना है देखिए आपकी इक्वेशन फिर ले लेना है, आपको यूक्लिड की इक्वेशन ले लेना है, यूक्लिड इक्वेशन लिखना है यहाँ से, समझ गए। अब देखिए यूक्लिड इक्वेशन क्या होती है ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से बी इक्वल टू में हो जाएगा आपका जीरो वन टू थ्री फोर, फाइव तक नहीं जाना, कहाँ तक फाइव तक आपको बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि देखिए r इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा, ठीक है। r इक्वल टू में क्या हो जाएगा केवल आपका वन ही रहेगा यहाँ से, क्योंकि देखिए केवल वन वन आ रहा है ना। तो देखिए अब देखिए वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो क्या करते हैं हम ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न 15, 16, 17 नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। थोड़ा बड़ा आप इसको समझ लीजिए, यदि आपको अपने मन से आ जाए तो कर लीजिएगा, यदि कोई भी डाउट या परेशानी हो तो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। जैसा कि देखिए अभी थोड़ा बड़ा इसमें बता देते हैं आपको, लिखा हुआ है क्या फाइव क्यू प्लस वन फाइव क्यू प्लस फोर, तो देखिए आपको वही वैल्यू लेना है जिसमें आपको ये आना चाहिए, क्योंकि देखिए सिद्ध क्यों करना है क्यों के लिए सिद्ध कीजिए किसी घनात्मक पूर्णांक का ये वर्ग है, क्या है वर्ग है, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है b इक्वल टू में आपने क्या लिया जीरो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू में b की जगह हम क्या लिखेंगे देखिए b क्यू प्लस में r होता है, तो a इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा फाइव हो जाएगा, क्योंकि देखिए b इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है फाइव लिखा b क्यों लिखा है ना b क्यों फाइव क्यों, तो ये लिखा हुआ है फाइव क्यों प्लस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से वन, दोनों का स्क्वायर कर देने के पहले तो आपके देखिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ तक देखिए जीरो, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू में फाइव क्यू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। देखिए स्क्वायर कह रहा था ना आपका, क्या कह रहा था स्क्वायर कह रहा था, समझ गए। और इसमें एक स्टेप आपको क्या लिख देना था ए स्क्वायर इक्वल टू में फाइव इंटू में फाइव क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लेट लेना है ना, अब क्या करना है जो फाइव क्यू लिखा हुआ फाइव क्यू स्क्वायर ले लेना है आपको, फाइव क्यों कह रहा था तो क्या लिख देना है p इक्वल टू में फाइव क्यू स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए a b c d कुछ भी मान लीजिए तो क्या हो जाएगा फाइव क्यू स्क्वायर, तो a स्क्वायर टू क्या हो जाएगा फाइव p हो जाएगा। इस तरह आपको प्रूफ करना था, देखिए पहला इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया, इसी तरह आपको सभी इक्वेशन को प्रूफ कर लेना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को आपको ये जानकारी पहुंच जाए कि आपकी क्लास टेंथ की बालाजी प्रकाशन की स्टार्ट हो गई है और रोज़ आपको एक नई क्लास मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।